नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे हरियाणा के एनम जेएनएम एडमिशन को लेकर। यहाँ क्योंकि राउंड टू के लिए रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि राउंड वन समाप्त होने के बाद सीटें वैकेंट रह गई और उसके लिए अब राउंड टू शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा था और कुछ लोग नहीं राउंड वन में पार्टिसिपेट किए थे, जिन्हें अब राउंड टू में सीधा पार्टिसिपेट करना था उनके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे दिया गया था। तो उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो उनके लिए आज अंतिम अवसर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो हरियाणा एनम जेएनएम के लिए एडमिशन का जो शेड्यूल था उसमें राउंड टू के हिसाब से आज जो है लास्ट दिन है जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए 22, वो भी रात के 12 बजे तक आप वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मेरी डिस्प्ले करने की बात रही तो वो 24 तारीख को आएगी, यानी कल 23 और परसों 24, यानी एक दिन छोड़कर अगले दिन उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें राउंड वन के जो बचे हुए छात्र थे और जो राउंड टू में जो रजिस्ट्रेशन कर दिए उनके जो है नाम इसमें शामिल होंगे। और ये दोनों लोगों के शामिल होंगे, यानी राउंड वन में जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनके नाम, और जिन लोगों के राउंड टू में जो है जिन्होंने फर्स्ट कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनके नाम। यहाँ पर जो है 24 तारीख की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें इनका नाम शामिल होगा। फिर उसके बाद राउंड वन में बचे हुए लोग और राउंड टू में बचे हुए लोग जो हैं यहाँ पर चॉइस प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यानी वो जो राउंड वन में छात्र बच गए थे जिन्हें सीट नहीं मिली, फिर जो राउंड टू में रजिस्ट्रेशन कर दिए वो छात्र मिलके जो है सभी लोग यहाँ 25 तारीख से 28 अक्टूबर के मध्य चॉइस फिलिंग करेंगे, क्योंकि राउंड वन में जो उन्होंने चॉइस प्रेफरेंस भरे थे उसे चेंज करना होगा। तो उसे चेंज करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो कि 25 तारीख से होगा। तो कुल मिलाकर ये प्रक्रिया अभी संपन्न होनी है। लगातार आप अपडेटेड रहिए और यहाँ पर बिल्कुल ढिलाई मत बरतें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।